हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। आज हमारे साथ है गौरव कुमार और ये अपना इरमा इंस्टीट्यूट का पूरा प्रोसेस शेयर करेंगे। आज हमारे साथ इनका क्या एक्सपीरियंस था, आज इनका वेट था तो उसमें इनको किस किस चीजों से गो थ्रू होना पड़ा, ये सारी चीजें आज हमें बताएंगे। तो मिस्टर गौरव, लेट्स स्टार्ट। सो हेलो गाइस, आज मैं बता रहा हूँ इरमा कॉलेज आनंद का, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। उसमें क्या कुछ प्रोसेस था, कैसे क्या कुछ हुआ तो उसका बता रहा हूँ मैं। कि सबसे पहले मेरे को 5 तारीख को मेल आया था, 5 फेब को। उस पे लिखा हुआ था कि जो भी आप शॉर्टलिस्टेड हो, उसमें प्रोसेस ये फॉलो करना था कि 6 तारीख को मुझे स्लॉट बुक करना था ओवेट का, वेट के लिए। और फिर बाद में अगले इंटरव्यू की भी डेट सिलेक्ट करनी थी, तो वो 2 चीट पहले करनी थी। उसके बाद में फिर था कि वेट से पहले एक चीज और गाइस, इसमें जो ओवेट है वो ओ का मतलब सिर्फ ऑनलाइन है, यहाँ पर ऑनलाइन रिटिंग एबिलिटी टेस्ट और कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसेस है जैसा वेट होता है बाकी कॉलेजेस जो लेते हैं। उसमें इंस्ट्रक्शन में ये था कि आपको 9 से पहले एक दिन पहले 8 फेब को आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है और वो फोटो आपको नॉर्मल लैपटॉप के जो उसका कैमरा है उससे ही फोटो खींचनी है। आप कोई फोटो वैसे खींच के अपलोड नहीं कर सकते, उसकी वेबसाइट पर जाके अपलोड होगी। अच्छा, मैंने लाइव फोटो कैप्चर होगा, लाइव फोटो कैप्चर होगी लाइव। तो वो फोटो होने के बाद में फिर आज मेरा स्लॉट था वेट के लिए। तो उसमें क्या प्रोसेस थी कि उनमें पहले तो मुझे लग रहा था कि कोई टॉपिक देंगे उस पर लिखना था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा बहुत पूछा तो पता चला कि इसमें एक फोटो आएगी। तो उसमें एक फोटो थी जिसमें कुछ छोटी बच्चियां मुंह में चम्मच लेके और उसके बीच में कंचा लेके वो गेम खेल रही थी। तो उसके बारे में लिखना था कि आपकी क्या, आपने इसमें आपने सीखा है, क्या देखा है, इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह लिखना था। तो उसमें 300 वर्ड की लिमिट थी या फिर 2000 कैरेक्टर्स थे शायद, हाँ वो थे, उसमें लिखना था। तो उसमें पहले तो मैंने लिखा भी वो गेम क्या है, वो गेम था कि मार्बलिंग स्पून, उसके बारे में लिखना था। उसमें तो उसका थोड़ा लिखा, थोड़ी हिस्ट्री लिखी भी किस तरीके से मैंने भी ये गेम खेला हुआ है बचपन में। हाँ बचपन में भी गेम मैंने भी खेला हुआ है। तो उसके बाद में था कि मैंने ये लिखा कि फिर किस तरीके से गर्ल्स का पार्टिसिपेशन गेम के अंदर जरूरी है। और फिर थोड़ा ये लिखा कि रूरल के अंदर कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एक अगर अपने शहर के अंदर देखें, सिटी में देखें, तो वहाँ पे स्कूल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है और वहाँ पे थोड़ा सा तो अलग अलग है, काफी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क। तो उसके बारे में भी थोड़ा लिखा था। फिर थोड़ा ये लिखा था कि क्या कुछ गवर्नमेंट स्कीम चल रही है और क्या कुछ करना चाहिए। तो ये प्रोसेस थी। कितने पैराग्राफ्स में कंप्लीट किया आपने अपना? मैंने लगभग 4 पैराग्राफ लिखे थे, तो ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे थे, तो 300 वर्ड लिमिट थी उसकी। और ये जो पूरा प्रोसीजर था ये कितनी देर चला था आपका? ये मेरा 12:30 पे, इसमें थोड़ा इशू ये था कि मैं लॉगिन नहीं कर पाया था टाइम पे। तो उसमें लिखा था कि आपको लॉगिन करना है, तो उसमें था कि 12:30 से 1 PM का मेरा स्लॉट था, तो 12:30 पे ही लॉगिन करना था वो। तो मैंने सब कुछ ओपन करके रखा हुआ था पहले से, लेकिन फिर भी उसकी वेबसाइट में थोड़ा इशू आ रहा था, रिडायरेक्ट कर रहा था वो, थोड़ा इशू आ रहा था। तो मेरे 5 मिनट उसी के अंदर चले गए थे। उसमें पहले लॉगिन किया मैंने, फिर एक लिंक आया, उस लिंक को खुलने में भी 1-1 मिनट लग रहा था। फिर बाद में उससे मैंने फिर जाके फिर खोला, तो मेरे को लगभग 12:35 पे जाके वो फोटो शो भी। फिर ये जो आपने 5 मिनट का जो एरर बताया, ये आपकी तरफ से नहीं था, टेक्निकल एरर था ये सारा की सारा। हाँ थोड़ा सा टेक्निकल एरर ही था, थोड़ा सा पूरा, हाँ मान सकते हैं कि पूरा टेक्निकल एरर था, आपका इसमें कोई रोल नहीं था, आप अपना स्क्रीन खोल के बैठे हुए थे। प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला उनमें क्या चालू हुआ, जैसे कि आपको सीधे क्वेश्चन दिखा दिया गया और उसके लिए अलग से टाइम आपको अलॉट किया गया था, या फिर क्वेश्चन आपके पास है और आंसर आप सीधे लिखना शुरू कर दिए? नहीं, क्वेश्चन नहीं था उसमें, लिखा हुआ था कि ये एक फोटो आई थी, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये फोटो थी कि तीन चार बच्चियां हैं और एक पर पैराग्राफ लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कि हिस्ट्री एक्सपीरियंस और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, तो ये 3 चीजें थी इसके अंदर। अच्छा अच्छा, तो ये आपके आपके हिस्ट्री से और एक्सपीरियंसेस आपके क्या क्या है और इस क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस गेम को लेके। हाँ, तो इसमें आपने कितने पैराग्राफ कंप्लीट किए? इसमें मैंने 4 पैराग्राफ लिखे, ज्यादा बड़े नहीं लिखे, लेकिन 300 वर्ड्स के आसपास ही लिखा था। 300 वर्ड्स के आसपास आपने कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है आपका आधे घंटे चला, फिर इसके बाद क्या था आपका, कोई फीडबैक फॉर्म था या फिर? नहीं, फीडबैक फॉर्म नहीं था। उसके बाद में जो भी मैंने सबमिट किया था, तो वो उन्होंने मेरे को सबमिट किया, वो सब कुछ आ गया था। उसके बाद मैंने फोटो लिया कि ये फोटो थी और जो भी लिखा था वगैरह था, तो ये कुछ प्रोसेस थी।
ये सारा प्रोसीजर हो गया। तो ये आपका भी वेट हुआ है, इसमें पीआई का भी होगा अभी या पीआई का? मेरा स्लॉट बुक है, मैंने 27 फेब का स्लॉट बुक किया हुआ है। और क्या क्या स्लॉट्स अवेलेबल थे पीआई के आपके पास? 16 फेब से 1 मास तक थे। 16 फेब से 1 मास तक आपका पीआई पेंडिंग पड़ा हुआ है, वेट हो चुका है, अलर्ट हो चुका है और कोई प्रोसीजर नहीं है? और कोई प्रोसेस नहीं। इनका मतलब ये इरमा बेसिकली सारा ये मतलब कौन कौन से स्कोर्स एक्सेप्ट करता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ये कैट 2022 का करता है और जेड 23 का एक्सेप्ट करता है, और इसको एक थोड़ा सा सीमेट का भी करता है, लेकिन सीमेट जो भी 22 में हुआ था ना पिछले साल उसका स्कोर एक्सेप्ट करता है, तो तीन एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करता है। अच्छा, लास्ट ईयर जो सीमेट हुआ था उसका स्कोर? हाँ, क्योंकि इस साल का तो अभी सीमेट हुआ ही नहीं है। अच्छा, तब तक तो इनकी मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी, मार्च के सेकंड वीक तक इनका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, काफी अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुनकर। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइस जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।